अमूमन में महफिल पढ़ना सरकार फिलपदी ए फिलपदी बोल लिखा हज उमरा करी तो वापस आए मुरी देना इस्तकबाल किते तो सरकार रोने रोने बाहर निकले ते एक मरीद ने इस्तताद की जसारत की सरकार ए तुसा जा कार भी ने पूछे तो रोने ही हो पे असर रोन की वजह का ही तो पीर साहब फिर उसकी रोन की वजह इस तरह नहीं दसी फिर बदी शेर लिखा उत आख्या शेर एयरपोर्ट उपरे वो बोल पोसा एक तो फिर मैं आज पहली मरतबा इंशाला इत एक दरबार पर हाजरी हुई सी माड़ी मिलाद ने प्रोमे तो मैं अलामा रिजवी साहब की उन्होंने मिसाल तो बाद जरा सुनना शुरू किया पहलू एडा इतफाक नहीं हुआ सच्ची गल तो जिस सुनना शुरू किया तो फिर मैं उस तो बाद जिस पसंद में वाक दस पाका ना कलम होया मैं हूँ पीर साहब ने बोल पसंद कि जिस मुरीद पूछा सरकार रोने की आयो पीर साहब ने फिल्म दी बोल आ गया एयरपोर्ट पर आया मुरीदा तू मेरे को पूछ रहे रोना की आया आ तू की रोन नहीं वजह दसा अरे पूछो ना कैसी रहमत का खजीना छोड़ाया हूँ ओ मुझे रोने दो मैं जन्नत का सीना छोड़ आया मुबारक दे रहे हो तुम मुझे हजो जियारत की अरे तेरे गम भी तो देखो मैं मदीना छोड़ आया तो सरकार लिखने पे आने आने मैं कुर्बान बली में Thank you.
करता दिले मैं तुम्हें मदीने जावा करता दिले मैं तुम्हें मदीने जावा यार ते पावन दर में उठे आजे आका जी जिए बिदार है मैंनो आजे आका जी जिए बिदार है मैंनो इको आजे सलामा मेरे दे उठे वाला कचमा मर जावा मैं रोजे उते मैं एक बोल पेश कर सा आशिक रसूल की कलम उठी हो करी बिस्मिल्ला मैं तलियां नबी दीना छोड़ा मैं तलियां नबी दीना छोड़ा जिमें आता खात मदीने दी मैं तलियां नबी दीना छोड़ा जिमें आता खात मदीने ਕਿ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਲਿਆ ਮਾੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਏ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਨੇ ਅਮੀਰ ਤੁਸਨ ਨਿਰਾਲੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਅਰਸਲਾਨ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ जिसलै मौला अली निशान कोई बयान करे ना तो आने एशिया भी आ मेरिया दो गल सुनिया कोई होर गल करे तो आने जी फलाने ना मसला के आ मजहब बनफिया मिलत खलील मेरी मद्दा खां शाहे करबला नावा शजरा नसब अस्तालब ना फकत इतना नाकस सग में गौसल वरा नावा सारा तो मसला के आ हूँ अगली गल सुन अजहर बिलाल रजी अल्लाह तआला ने रिश्ते वास्ते कासद रवाना होना भेजने वाली जात शाने फखरे दो आलम रहमतुल्लाह आलमीन नबी पाक कासद भेजा तो जिसलै बेटी वो जी बच्ची सी उसने बाप को कासद गया ना उस इनकार कर सटिया माशाल्लाह उलमा बैठे हुए सारा काम हो रहा ये काम इन्होंने भी लेकिन बात यह है कि मैं जी गल पालना है उसकी फोकस करना तुसा ये गल मैं पाई गई फिर मैं शुरू कर सी चीज़ तो
बाप ने इनकार कर दिता। उन्हें आख्या वो बलाल काले रंग ना मोटिया मोटिया अखियां मोटे मोटे होंठे तो कासद जू ही पलटा खादा ना तो बेटी अंदरू आवाज दी अबा हजूर रोके किलो कासद की तुसा की यह रिश्ता मंजूर नहीं मैनू मंजूर है। ए बेटी क्यों इस वास्ता के बिलाल की तसाना जाने जाने तो उन्हें किया जिन्हें भेजा बिलाल इत तको भेजने वाली जात के है। बात यह है कि मसलक निकालनी गल यह है कि जिन्हें गल करना पाया कोई बंदा वह गल क्या करना पाया उस गला पर गौर करना। मैं दसिया के मरहूम अलामा साहब की मैं बाद ही सुनिया लेकिन एक कुरान अटल फैसला आफज करो नियाज करो को और तुसा ये अखा नाल तकी कि सारा माहौल भी सारा निजाम भी तके बड़े सियासी भी मोए बड़े फनकार भी मोए बादशाह भी मुल्क ने टूरी गए लेकिन बात यह है कि जिस बंदे नहीं सरकार नाल निस्बत होगी वो मर के जिंदा होया वो मोया नहीं वो मर के जिंदा होया। वल्ला ये जे दो चार बोल मैं सुनासा तुसा की मैं सुबह ने नमाज पढ़ी क्या बुझोया ची सा रात भी सुनया मैं लम्मा साहब ने कोई मसाइल पर गल करने पे से सरकार ने मुहब्बत ना इजहार करने से बस वो गल जहन ही बैठी सुबह उठा नमाज पढ़ी तो मैं कलम उठाई तो अल्लाह पाक ने करम किया तो दो चार बोल जड़े लिखे मैं तुसा ने गोश गुजार कर लबैक या रसूल अल्लाह लबैक या हबीब अल्लाह। आखिरी बोल में जिस तरह वो इस तरह एक आखिरी लफ्ज आ या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह जिस तरह एक लफ्ज आ सा तो तुसों भी पढ़ाए एक लफ्ज कबर च कम दे सन इसे नाल कबर च कम दे सन असा की मेरे प्यारे सोने नबी दे रड़के नारे गाओ मेरे प्यारे सोने नबी दे रड़के नारे गाओ पुस्ता खाते अग पाओ ते दालत जगती पाओ पुस्ता खाते अग पाओ ते दालत जगती पाओ Yeah.
पहलू भाई से पूछ रहा कौन कोई ये मसल किसकी ये शादी गर्ज न कोई हजरत साहब सुन रहे Yeah.
एक नाज पेश कर सा, उस तो बाद मेहमान अगर जाने चाहे तो फिर चले गए। सब एक नाज है सरकार ने पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह गलोड़ी ने लिखी हुई नात है, वो मैं पेश कर सकता। फिर मैं ब्रेक ला सकता रहा। ये अजीज है सारे बाबा फतेह मोहम्मद ग्रुप आप त्राटी ना तलका जी त्राटी नंबर वन ना। ये मलक आमर अवान हाजी सजाद त्राटी ना तलक इन्ना ना हाजी मुमताज साहब और राजा मकसूद साहब राजा फैजान और दीगर सद्दाम हुसैन जमशेद मेरे नाम लिखे जी राजा सऊद उमर जी सऊदीया तू और सोहेल बाकी इन्होंने ग्रुप सारे जी। अच्छा ये शेर भी नाल लिखे रहे पर मैं ये शेर पढ़ी तो नाल ही नाथ पढ़ सकता है। बिस्मिल्लाह ना तो शेरा ये जरा शेर लिखे ना ना कली लिखी मिकी ये शहादत हुई कि मैं सरकार ने रोजे पर शेर पढ़िया पहली बार। जिस शहर ने अल्फी साहब लिखा रौनिया खान में जिस पहली बार सरकार ने हजूर पेश होया तो बाबू गुजरफर ने सजाद एक शहर से सारे तरह लिख हाकी ने अनीफ अनफी मोहतरम जितना कई किताबें ने कतब है तो उन्हें अनफी साहब ने शेर लिखा सर तो सन 2000 में गल करना आ मैं सरकार ने पहली बार रोजे गया आ तो मैं दो शेर पढ़ना आ एक अपनी आप बीती मैं इस दूसरी तरज पढ़सा ते दूसरा ये शेर तो फिर नाल नाथ पढ़सा अपनी आप बीती सी। बिस्मिल्लाह ते तुरिया मक्के तू जदू मदीने वले ते तबा विच एक अजब सरूर है सी सदा शहर मदीना कुछ दूर है सी। अजीज गुलाम बाबा साहब उन्होंने मुहब्बत साहब नाल जदू पहुंचे सारे हबीब तकिया शहर सारा नूरो नूर है सी रोजे पर पढ़िया और एक साल गुजरा तो दूई मरतबा अल्फी साहब मारे नाल ही सरकार ने रोजे पर खाते शेर तक इल्तजा सी अल्फी साहब ने के या हजूर कबूल फरियाद करे आए मेरा रोजे ते आवनू दिल करदा जिते जिते जनाब तशरीफ रखी उते पलकां बछावनू दिल करदा ओके दोजानू बैके विच कदमा दिली दुखड़े सुनाऊनू दिल करदा तड़प तड़प के रोजा रसूल अगे पर विच मैनू मर जावन नू दिल करदा ते अनफी तरफ मदीने मिटवा जदू कफन मीना दा पावन नू दिल करदा। सरकार ने नात ने दो बोले तो सन गोश गुजार कर रहे हैं दिल में किसी को बसाया न जाएगा जिक्रे रसूल दिल से भुलाया न जाएगा। सरकार फरमाए पे दिल में किसी को बसाया न जाएगा जिक्रे रसूल जाएगा।
जान ले क्यों हम उनके इश्क की, तो जख के आस पास भी आया बजाएगा, दिल में किसी को और बसाया बजाएगा, तेरे रसूल दिल से बुलाया बजाएगा। वो शमल है कतारे फिरा के शाहे उमंग, वो शमल है कतारे फिरा के शाहे उमंग, ये वो चराग है जो बुझाया बजाएगा, दिल में किसी को और बसाया बजाएगा, जिक्रे रसूल दिल से बुलाया बजाएगा। कहते थे ये दीदार तशद्दुद पे कुफर के, गर्म रेत पर लटाएंगे छाती पर पत्थर गर्म रखेंगे, चर्बी पिघलनी शुरू हुई। पूछा बिलाल होर भी नामे मोहम्मद ला से, सरकार फरमाने के बिलाल ने जवाब करा देता, कहते थे ये बिलाल तशद्दुद पे कुफर के, कहते थे ये बिलाल तशद्दुद पे कुफर के, इश्के नबी को दिल से मिटाया न जाएगा, इश्के नबी को दिल से मिटाया न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, जिक्रे रसूल दिल से बुलाया न जाएगा। आखिरी बोल ईसा फरमाए थे, क्यामत का दिन 50,000 साल का दिन हो, 25,000 साल गुजर जासन, निसफ दिन गुजर जासन, आदम ता ईसा सारे नबी कट्ठे हो सन, तो सारे नबी को हाजिरी दे सन। ए हबीबे खुदा, ए महबूबे खुदा, ए मतलूबे खुदा, तुसी अल्लाह ने हजूर सिफारिश करो, क्योंकि कई नबिया अपनी कौम वास्ते बदुआ की उसी, और आखिर ऐसा शर्मिंदगी है, तो तुसी हबीब गए हो अल्लाह ने, तुसी गुजारिश करो सिफारिश करो कि इस आवाम ने हिसाब शुरू हुआ है, तो कमली वाले जिस सर पर सजूद हो सन, सजदा रेज हो सन, तो अल्लाह की जात रहमत, अल्लाह की रहमत जोश मासी, ए कमली वाले सिर चाह क्या मंगना चाहना है, रबे काबा इस आवाम ना हिसाब शुरू किया जाए। पीर साहब फरमाने पे कि फिर क्या होसी उस दिन, उसी ये मानेगा उनकी बात का हश्र में नसीब, एमरजेंसी जाना Thank you.
सर्विस कोई मिलाना चाह रहा, बड़ा कोशिश करना मैं कटन जाना सर। मैं इधर मिलाया, मैं मत इधर खली गया सर, लेकिन पता नहीं हूँ इस तरह नंबर आ गया तो चलो ठीक है। बारह इसलिए फिर मैच मैं पढ़ना आया ना, हाथ बाद फिर लाइव चलना पे। सादी शेराजी ना एक बरखुरदार ने फरमाइश की कराची तू अहमद मुश्ताक, तो मैं यार सरकार ने ना जिसला कोई आके छटा है फिर पढ़नी वाजिब हो जानी, क्योंकि उत्थै बंदा इनकार नहीं कर सकना, बंदा ना कोई जायश रहनी इनकार नहीं। ये शहादत मंदी है कि उठने बने टुरने फिरने कोई आखा कि सरकार ने ना सुनाओ, तो वो बोल सी वो पुत्र आराम ना लो। जो मेहमान जाना चाहने पसंद करने वो मजबूरियां होनी, तो जे माशाला पिड़ा बच्चे तो थोड़ा जा सुकून नाल बहसो,
तो फिर महफिल सोनी हो सी। पिछे कैमरा मारे नहीं हो रहे गुंजाइश थी पिछा तो फिर बही गो माशाल्लाह। अच्छा कावा पीने पे ठीक है, ठीक है मौसम सर्द है ना। मैं इतनी देर वो बोल सुनाना सादी शिराजी ने के बलगल उला पे कमाल ही कशफत दुजा पे जमाल ही असुनात जमी व खिसाल ही। तारीख है गल आखरी के सरकार ने त्रै बोल लिखे चौथे पर मदोशी ने आलम तारी हो गया तो नबी पाक की जियारत नसीब हो गई तो पूछा सादी की है परेशान है यार सुन ला माड़ी कलम आज त्रै बोल लिखे चौथा नहीं लिखन होया तो तारीख गल आखनी के चौथा बोल नबी पाक ने वदियत किया सादी शिराजी नू सादी क्या लिखा ही सरकार की तो पता सा क्या लिखा सादी दुराया के बला गल उला पे कमाल ही कशफत तो जा पे जमाल ही असना जमी खुशहाल ही। तो नबी पाक फरमाया सादी लिख सलू अलैहि वाले ये सरकार ने दिता क्या बोला तो लिखने वाले लिखने पे आने पला गल उला पे कमाल ही कशफत तो जा पे जमाल ही असना जमीए खिसाल ही कम
मदनी वाले जे रहन दी जगह हाफिज असल है सच्चे मुसलमान दा दिल फकीर शहर में शेर दोस्तों की नजर आ जीदे जिया ना हो महबूब कोई जिदे जिया ना हो महबूब कोई जात पाती ओ मेरे अशुरे दिए चिताई रे चिताई रे दरबारी ते सदा सदा जाए राजा अली साहब राजा वैस साहब राजा एहसान उस्ताद शबीर राजा अफजाल राजा असद पाक आर्मी इन अजीजा ने फरमाइश है नबी पाक ने कौला जिस मेरे रोजा अनवार अब ज़ियारत की मेरे रोजे नहीं जहन्नम नियाग उस तो आराम है। सरकार फरमाने के जिस मेरे रोजे की मोहब्बत नहीं निगाह ला के तकिया कल क्यामत वाले दिन मेरी शफात उस तक लाजम है। वैसे तकड़ा तक मोहब्बत ना तकड़े फर्क क्या असा तुसा हज करने हैं उमरे करने हैं जिसकी अल्लाह ताला तौफीक देना या जिसना बुलावा उठा वहां आज उम्र करी का जरा मुड़ी कसना कोई गारंटी ना ले गल नहीं आखी सकना कि माड़ा आज तो उम्र कबूल हो गया। पैसे भी लाने हैं सही करने हैं तुआ भी करने हैं सहूलत बर्दाश्त करने हैं सफर भी करने हैं लेकिन किसी बंदे की एक गारंटी नहीं कि मेरा उम्र या हज कबूल हो गया। असा तुसा ने प्यारे नबी फरमाने जिस अपने वालदेन ने चेहरे की मोहब्बत ना तकिया उसकी मकबूल हज ना सवाल खाली तकना असाबे रसूल पूछ रहे या रसूल अल्लाह एक मरतबा तको तो हज मकबूल हज ना सवाब मिला या बार बार आपने इशाद फरमाया जितनी बार तक सो हूँ ये शहादतमंदी या बदबख्ती उस नहीं है जहां घर बैठे हो आज नहीं कर रही और जिसने वालदेन भी जिंदा है जे नहीं आज करी सकया तो बदबख्ती है जे आज करना रोज तो फिर खुशबख्ती है बगैर पैसे तू मकबूल आज गारंटी शुदा आ जा। मैं कुर्बान मदीने दी शान तो ए जरा उच्चा सारे गरावा को जिस दी गोद विच बैठ के आसियां फिर मिलता बद के प्यार है मामा को मेरे प्रिया रस्ता चलते फिर दोस्ता पूछना ही जे ए पूछी पा मदीने नियारावा को ए माफी मंगिया सरकार दे दर जाके तैनू मिलसी छुटकारा गुनावा को ते जाली रोजे दी पकड़ के रज रोवे पहले भी कम तू हो गया हवा को कदा कदा तू मनसूबा बंदी करना वे इस साल से जाता नहीं शादी करनी अगले साल उसना कोठा बनाना उस तो अगले साल इंशाल्लाह उमरा या हज कर सा तो तू की पता है कि एक पल भी तू की मौका मिलसी या नहीं मिलना इस वास्ते लिखने वाला लिख रहा बे हाफिज के ना गुण नहीं और लगा Thank you.
मिनिस्टर साहब। हर बंदे नी चॉइस अपनी होनी, शेर सुने नी समा अपनी होनी। इस चेर मैं बुजुर्गान नी नजर खास कर जैद और अजय जफर साहब और फैसल और इसने अजीज राजा नवाज शकील आर्मी चौड़े मलक शबीर शबीर गौदल इमरान हमजा जेडे दुबई होने अजीज इन सारे की फरमाइश पर बिलखसूस एक पीर साहब ने मैं गजल पढ़नाया। उम्मीद है कि तुसा की पसंद आई कि सरकार ने जेडे चूंकि सैयद बादशाह है तो सैयद बादशाह अपने नाने की तारीफ बेहतरी बेहतर अंदाज कर सकते। सरकार फरमाने एक किस दे सर लौलादा ताज दरिया किस दे सर लौलादा ताज दरिया मौला वखरी शान बताई किस दी एक किस दा जिक्र करते आए नबी मुंडू शान विचो सही फियाई किस दी आदम ता ईसा 124,000 अंबिया कम बेश जिड़े आए उन्हां दो बड़े पैगाम दिते बड़े तो और पैगाम दो दने आए ना। एक पैगाम में दिता कि अल्लाह वादा उला शरीक है उसने कोई शरीक नहीं तो दुआ नाल पैगाम दिता एक आखर जमान नबी आसी जा सारे नबिया ना सरदार उसी पर जिस तो बाद नबूवत ने दरवाजे बंद हो जा सी ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀਫੀਆਂ ਆਈ ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ ਚ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਅਸਰਾ ਬੇ ਅਬਦਹੀ ਲੈਲਮ ਮਿਨਲ ਮਸਜਿਦਿਲ ਹਰਾਮ ਇਲਾ ਮਸਜਿਦਿਲ ਅਕਸਾ ਉਹ ਬਾਗ ਜ਼ਾਤ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਕੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਤੱਕ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਫਿਰ ਅਰਸ਼ ਅਜ਼ੀਮ ਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈ किसने हाफत अफलाक दी सैर की थी ए रासा हाथ विचो पकड़ पुरा दिया विच मस्जिदे अक्सा ते शबे असरा की मुसलमान दी पेशवाई किस दी ए किसने रफ रफ दे उत्ते बैठ के दे जबूत मलकूत ताई ए डंके विचो ना सोत दे वजे किस दे पई विचो ना हूत दुआई किस दी एक एक लफ्ज पर गौर करो क्या उस वादी तवा दी विच बस्ती मूसा जोड़िया नाल नहीं जा सके पहाड़ी सी छोटी सी जमीन पर लकी जी ढेरी है ते मूसा नबी है
वादी बस्ती ए मूसा जोड़िया नाल नहीं जा सके रबे कावा दे अर्शे बरी दे सने नसाई किस दी ए अकला वाले हो कुछ ते सोच दसो पी साबे लिखा पर मैं गल आखी गुस्सा की ना करना लेकिन मैं अपनी चाशनी वास्ते आखना आ ए अकला वाले हो नाल ईमान दसो क्या ओ महबूब खुदा अदा नहीं ते जे ओ महबूब खुदा दा है खुदा किसना ते खुदाई किस दी ना महात विच पकड़ के बख्शिशा दा मोहम्मद पीर सरकार फरमाने ना मियां मोहम्मद साहब कि इहो जा नबी जिन्ना दा वाली ओ उम्मत क्यों जो सी लख गुनावां आपां बदले क्यों तू दोज़ख वल पीर साहब ने जाना तू बांका ने ना अड़े उम्मत तुहाड़े चंगे वे अगलियां कौमां नूं तां अशर क्या होया शकलां भी बदली जाणियां सी छोटी छोटियां गुस्ताखियां तक कुताहियां पर कट तोलना थोड़ा जा शुआब अलैहि सलाम नी कौम कट तोली जवाल आ गया असा केड़े केड़े कम ना करने पे पुठे सारिया कौम ने कम सारे च मौजूद है लेकिन ना मैं हाथ विच पकड़ के बख्श चाहता फजल पागे रिजवान वाल टुरी जा रहे क्या कोई इससे अरसाए महशर के فاروق راجے افضلامی سرکار نہ مہندات نظیموں نے تو دوستوں نے نظر کر سا ساڑے پائی راجہ اشتیاق صاحب موڑا دروگا چوچاک نہ تلک ساڑے پائی سوہیل صاحب سعودی عربیہ راجہ ظفر صاحب ساڑی محفل تشریف فرمانی ہوئے اور ساڑے پائی زید صاحب اور راجنی محفل نے بانی ساڑے پائی فیصل صاحب ایک بڑا خوبصورت شعر مرحوم راجہ صاحب نے تو دوستوں نے نظر میں کرنا کہ جس وقت سرکار نے آمد ہوئی के होया मेरे बेलिए दुनिया बदल गई दुनिया ने आप देखी पेश करिए फिर भी मुकदे नहीं पर जद याद मदीने दी आमदी ये खबरे की होंदा अथरू रुकदे नहीं शेर नात ने दर्द फिराक बाजू पढ़न वाले ने मुंह टुकदे नहीं नाता लिखन वाले अनफी पढ़न वाले दिल अरे रहंदे कदे सुकदे नहीं मेरे अजीज मलक आप साहब मेरे सलामी है और फैसल और इजरानी पूरी यूनिट बाकी जने बैठे हुए
दो चार बोल सफल मलूक ने शाने और लिया विच और मत रख जे उस तो बाद फिर कोई और गल कर सा शाने औलाद आरफे कड़ी शरीफ फरमाने पे आ रहे आ फरमाने सेक लगे का सेवक ताई ते सेक लगे का सेवक ताई तुर तो सुने फरियादा मोहम्मद पहुंचे ते पाल मुरीद मेरा नाम सरकार फरमाने पे आने बड़ा प्यारा बोला अल्लाह ना अमर होना अल्लाह तला कुफ्ता दितिया होनिया अपने बदिया की बेशमार वाके भी मूसा कलीम ने दौड़ने वाके वे के माई की आख्या बतूरी लिखते बच्चा नहीं बाद बच्चा आया तो फिर एक वाक्य आया मूसा फरमाने अल्लाह तुसी फरमाने से इसने लिख बच्चा कोई नहीं तो आपने फरमाया आर्डर आया जा मूसा इंसानी गोश्त को किड़िया तो फिरने रे एक फकीर को पहुंचे उन्हें आख्या केड़े से ना गोश्त मंगया ने है तो नहीं पूछा उन्हें थोड़ा थोड़ा सारे वजूद लाई दिता उन्हें आख्या जा जिस वादिए तूर पर फिर गए ना उन्हें आख्या मूसा जरा माड़े ने पर अपनी गोश्त टुकी तो देई सकना वो पुत्र भी देई सकना इस वास्ते बलि की अल्लाह की तरफ वदियत होनी और पावर होनिया बंदे ने अपनी अपनी बोली है कोई मनना कोई नहीं मनना असा की उन्होंने गर्जो गायज नहीं अल्लाह ने जो दोस्त होने वो मनाई किन्ने अल्लाह को गल्ला इस वास्ते शाने और लिया विच लिखने वाले लिख रहे ओ बली अल्लाह दे I'm gonna
मद्देनजर रखा राकिया दो बोले उस तरह वे बिस्मिल्लाह
आज तो 18-20 साल पहले मैं एक दो बोल सुनासा खाली कराची सरकारी एक प्रोग्राम सा पुलिस आ रहना ते उथा प्रोग्राम किता सा अटल री मैदान हाल च उथा चुके उर्दू स्पीकर सारे उना की सारी पटवारी सम्मेलन लगाया साज तो सुनो उर्दू स्पीकर आया था जी असा ने कोई बोली सुनाओ मैं कह यार तुसा ने बोली का सुना उर्दू ने शेर सुनाने उर्दू ने गजल सुनाई छटने पर तुसा ने इतना इस इलाके शाजिया खुशक बड़ी मचौर है चलो असा तुसा की साज सुनाई छटने अपने बोले वो फिर उस 18-20 साल पहला मैं फिल्म दी ये दो बोल मारे बाद फिर अजीज बच्चे सारे तजा बन गया तो दो बोल मैं तुसा पेश करना बिस्मिल्लाह आरफ लोगों का बोला पर जो कोई शब्द अपनी भाषा किड़ी के चाहे वो किसी ने जोर नहीं होना के आज इनकार ऐसे सारे पीले पीले करीना साजी आज मौसम बड़ाई सुहाना पर पर के तू वो जन्म पला दे साड़ी प्यास का कोई ठिकाना बस्ती में जाओ महबूब नाल मुलाकात वै तो जाने का मकसद पूरा आई जाना तो जे उठा जाए के मुलाकात भी ना वै तो फिर जान का मकसद बहुत हो जाना आखिर शिव ने मुहब्बत बड़े बोले बड़े सोने बोले सरकार फरमाने पे आने किसे आखिया लेकिन एक गल गला चू याद आ गई तू यार नहीं खातर फिरना पे गली बाजारों में
बड़ा कमीना तुम्हारा यार आड़ी परवाह नहीं करना। हर हुक्म शिव ने बहुत बनाया, उन्हें आख्या जिन्होंने चंगे यार है वह भी तो रोने पे ना बांसे रब रखी थे। इस सरकार फरमाए पे ए यार कमीना बड़ा प्यारा बोल उसका मोहतरम नगर गीता एक बोल आज तेरा दी बावे जी कलामी नी महफल है। एक शेर में पढ़ाया उसके बाद फिर असा ट्रैक चेंज कर सकता। वो वाकया बावे जी ना होया जिस सरकार ना अपना सफर होया आखरी ते चिमे गुइया मरीद बाहर गया तो सुनिया लोग आखने जी वो मस्जिद च नहीं गए जी नमाज नहीं पढ़ी नहीं इन्होंने जनाजा कौन पढ़ा सी ते इस तरह को गल्ला सुनिया ने मरीद आए तो बड़े परेशानी ने आलम में आंसू भी जारी हुए। बाबे पूछा हुआ कि रोना है क्या ही क्या सुनिया है हजूर है गल है असीता आखने जे वो टाइम आया ना फलाने टाइम तक इंतजार करें कोई जनाजा पढ़ाने ला रहे से तो जे ना आया तो फिर इस तरह करें जिसलै मज मज मारने होना जरा इस तरह ज्योतियां मिकी दादा ने पिछे तो छोड़ दिया फिर माड़ी लाश जिता जिया जासी वो माड़े नसीब है लेकिन इंतजार करें फलाने टाइम किया आने ये गल हुई सरकार ना वसाल होया तो लोग तमाशा तकड़े आले तकड़े से पे तो फिर पीर मेर अली शाह ना घोड़ा आया संभाला तो धूड़ा आसमान उपर गई तो सरकार ने फरमाया सफा सीधियां करो तुसां की क्या पता केड़ा कलंदर दुनिया छोड़ी गया। फकीर ने बोल होने मार्शल साहब ने एक शेरा आने तमसील देने
और फिर जिन्हें कल्याम शरीफ लोग के उन्होंने बताया कि सरकार ने कबर भी अकबरी अली सी हाफिज साहब गए से तो उन्हें आख्या सा कि हूं तो राम करो ना जेने इकबाल कवाली करना सा पिया वो बोल पढ़ना पैसा उसने पर कबर भी जम्बुश खान नहीं पी सी इस वास्ते एक कवाला आले भी कवाली करने आले और ऊठा आले ये सरकार फरमाया माड़े खास मेहमान है ते सरकार ने मास्टर साध साहब लिखने पे आने आए सजनो ओ चोर मतलब फकीर नहीं हो कौन जिसका कौन पत्थर दे लकीर नहीं है ते जो मरीज दी मुश्किल से हल करता वाल महादी दस्तगीर नहीं है उसका दावा वलायत पे सूद मुतलक ए बदल सकता जे कोई तकदीर नहीं है मासूम साल लगे ते बाद अजबाल को इंसान एक शर्ती है ये शरीफ ने जिक्र मैं वे इन्होंने फरमाइश भी है ते दुनिया ने जितने बली फकीर बुजुर्ग होने उन्हें सारे नाले सारे ने अकीदत होनी जो अकीदतमंद होने सारे की मनने ते मैं इन्होंने फरमाइश पर मैं ना हूं भुली गया उन्होंने नजर अब्बास साहब जी उन्हें फरमाइश की थी गमगोल शरीफ दियावालिया होए गमगोल शरीफ दियावालिया होए सुनिया तेरा दी पिगड़ी बनाई तुसा
खुर्शीद उस्ताद मोहतरम तुसां सभनां दी नज़र कीता शेर साढ़े भाई फैसल साहब जिहड़े मुंतज़िमे आला है और उन्होंने पूरी यूनिट ते साढ़े भाई नज़र आबाद साहब एक शेर तुसां दोस्तां दी नज़र करसां फिर जिस तरह उस्ताद मोहतरम तुसां भी दस्या कि मुतफरक दीआं चंद गल्लां दोस्तां दी नज़र बड़ा ही खूबसूरत शेर आ बाबे फजल कलियामी नू याद कर तू और उन्होंने जेडे साथी है उन्होंने सारे ने फरमाइश पर जेडे वलिए ने सरदार है सरकार हजूर गौसल सकलैन पीरन पीर शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने हर वली ने कंधे पर मार पैरा तो शेख सनान आखे संभाले कंधे तो कोई नहीं तुसान कदम पैर कोई नहीं आपने फरमाया सा तेरे कंधे ते सूर ना कदम आ फिर क्या होया सासिया ने लड़की पर दीवाना होया ते ओ मुंडे पर चाई चाई ते फिर ना रहा ते ओई शेख सनान ना मरीद सरकार की वुजू कराने होने से काफी चिर गुजर गया एक ओ वक्त आ गया कि शादी वास्ते इंतजार की थी सासिया ने बची ना उन्हें आख्या ये तो साढ़े नाल बेहद खास है तो फिर शादी हो सी वाक्य सुने आए उन्हें आख्या ये बेहद खास है तो तमाम शादी हो सी तो तैयार हो गया सी शेख सनान जिस तरह तैयार होया तो पीर बगदादी ने बड़े दूरों उस मुरीदा की मुखातब करी ताहने कि आज किसान पीर काफर होने लगा तैया तड़पिया वो मरीद वजू कराने वाला हुसैन सरकार तुसा माड़े मुर्शद की आखा सा तुहाड़े कदे पर सूर ना कदम आ महापीर तक नहीं काफर रोन लगा उन्हें आख्या हाँ ओई सरकार बचाई किनो तो सरकार वजू करने छाटा मारिया तो शेख सनान ने अखा पर लगा सको सू मील दूर तो शेख सनान पलटिया तो सरकार ने कदमा टठा तो मैं वो सरकार में भी जिक्र कर सा ते सुन फरियाद पीरा दिया पीरा तका दई न मैनू बेकसंदा वाली तू ए शर्म दिती रब तेनू इस वास्ते ए लो जी सुभादी नीते नमाज पढ़ के Come on.
शेर समीर शायर सारे इलाके ने साईं सदीक सरदार मक्सा दोस्तों नजर कर सा क्योंकि वाकया तो बोल पा लेकिन मैं एक शेर दोस्तों की नजर कर सा बड़ा खूबसूरत शेर आ सरकार आवाज देने अरे अबू सालिया अबू सालिया कोल ते आंदियां सन ए माइया दो इकी अपनी मुराद माने मेरे बेलो के उलाद सन दुखिया फरियाद लेके ए रब के वली कोल आईया औलाद माने ए याशा अपनिया नु सबर नाम कर दे मगते तेरे दरवाजे ते औलाद माने जिंदा रहसी निशान सलीक साईया जिंदा रहसी निशान सलीक साईया आईया दुनिया विच खाना यंग जनरेशन में बैठे हुए जवान में बैठे हुए बेचार आया कि इन्होंने जज्बात की भी मद्देनजर रखी क्या दो चार शेर मुतहरक अंदाज ही पढ़ा जी जी बस 10-15 मिनट बगैर फरमाइश तो उसके बाद जो बावे बैठे हुए मैं वाकई करबला पर एंड कर सा और सुनाने तो बाद फिर इजाजत चाहिए सर चूंकि पर्दे विच कोई शायर है वो ठीक रहनी मजाज भी हकीकत जान की पहली शीरी है एक वाकया आया छोटा जा तो फिर मैं शेर परसा एक संगी संगिया की याद इच को रखता इंतजार है उस आख्या मैं ऐसा फलाने टाइम क्या खलता के पूरी रात गुजारी सका सुबह मुअज्जिन अल्लाह अकबर आखी उसकी कैफियत बदली उस सोच एक ही थी कि मैं बंदे नहीं संगिया की याद ही खाता सारी रात गुजारी सकी वो भी नहीं आया अगर मैं रात अल्लाह ने याद इस कटना दिखाओगे ना मैं क्या मिला उतना ही कैफियत ही बदल गई सारा निज़ाम बदल गया इस वास्ते अल्लाह ने मखलूक नाल मुहब्बत करना ये अल्लाह ने हुक्म आ कि तुसा खुल इखलाक मुहब्बत प्यार लेकिन दौर ऐसा आ ज्यादातर संगी संगियों को सट खाने ज्यादातर इस दौर कद कद वहां सब पुराने लोग जो बावे बैठे ना आने संगियों संगियों पिछले जान कुर्बान की हूँ संगी संगियों नहीं गंढ कपड़े तो माल भी संगी संगियों को खाने बहरहाल अल्लाह तला इफ्जो मान इशारा की रखा है तो मुहब्बत रंग तीर चला के आंखों का दिल को निशाना कर गया खुद तो अपने घर चला हमको दीवाना कर गया किसे लिखने वाले लिखा ए बाबू ए लौजी